اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنوبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم أو النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعداء وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

प्रोग्राम कुरान में खुश अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रोग्राम नंबर एक सौ चौंतीस आपकी खिदमत में पे पेश कर रहे हैं इन शाह आज मुताल करेंगे सूरत आयात तैतालीस ता 45 का और इन्हीं आयात की तिलावत के जरिए कारी सलमान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम का बाकायदा आगाज भी फरमा दिया है हमेशा की तरह आज भी हमारे स्टूडियोज में हमारे नौजवान साथी मौजूद हैं कुरान अकेडमी कराची में तालीम हासिल कर रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तु शहरों से इनका तल्लुक भी है आइए इन्हें खुश आमदीद कहते हैं

सीखें नहीं और नहीं सिखाएं नहीं। ये सही बुखारी की रिवायत है अच्छा एक बात मैं आज फिर अर्ज कर देता हूँ कुछ लोग कहेंगे भाई फिर वही हदीस सुना रहे कुछ लोग हो सकते हैं ना कहें जी हाँ हदीस सुना रहे जो पहले भी दो चार मर्तबा दी गई है बाकायदा बैठ कर दोहराते थे अहादीस को और यूं उनको अहादीस याद हो जाया करती थी और हम भी चाहते हैं कि हमें याद भी हो और हम दूसरों को

सिवाय इसके कि तुम मुसाफिर हो यहां तक कि तुम गसल कर लो और अगर तुम हो बीमार या हो सफर पर या तुम में से कोई कदाए हाजत से आए या तुमने अपनी औरतों से मुकारबत की हो, फिर ना पाओ तुम पानी तो तयम कर लिया करो पाक मट्टी से पस मसाह कर लिया करो अपने चेहरों और हाथों का बेशक अल्लाह माफ फरमाने वाला बड़ा बख्शने वाला है मुसलमानों क्या तुमने नहीं देखा उनके तरफ जिन्हें किताब में से एक हिस्सा दिया गया है वो इख्तियार कर रहे हैं गुमराही और वो चाहते हैं कि तुम भी सीधी राह से बहक जाओ और अल्लाह खूब वाकिफ है तुम्हारे दुश्मनों से और अल्लाह काफी है हिमायती और अल्लाह काफी है मददगार नाजिक्राम ये तर्जुमा सुरतुलनिसाह आयात तैंतालीस ता पैंतालीस का बात को आगे बढ़ाते हैं और रबते आयात की तरफ चलते हैं गुजशत आयात जो हम समझ चुके और आज की जेर मुताल आयात इनका बाहमी ताल्लुक क्या है इसे हम रबते आयात के जेल में समझते हैं आइए स्क्रीन पर देखिए पहली बात लिखी है रबते आयात के जेल में गुज्त आयत में क्यामत के दिन नाफरमानियों पर कुार की हसरत का बयान था गुजशत आयत में क्यामत के दिन नाफरमानियों पर कुफार की हसरत का बयान था अब के में इबादात में से नमाज का जिक्र है अब के में इबादात में से नमाज का ना फरमानियों का बयान था अबाद के में इबादात में से नमाज का जिक्र है जो आज की आयत में तफस से कुछ बातें हम समझेंगे इनशाला नाजिक राम रबते आयात के बाद तारुफ का सेगमेंट तारुफ से मराज जिन बातों पर गुफ्तु होगी अव्वलन उनका मुख्तर जायजा हम लेते हैं तारुफ के जेल में सबसे पहली बात के जेल में लिखी है में से दूसरा हुक् है जिसको आज हम समझेंगे इन शाह दूसरी बात तारुफ के जेल में लिखी है मसायल तहारत के हवाले से गुसल और तयम का जिक्र तहारत में बहुत सारे मसाइल का बयान आता है यहाँ हुसर और तयम का बयान है समझेंगे इनशा तफसी और आखिरी बात लिखी है तारुफ के जेल में यहूद के खसारे का बयान किस खसारे से दो चार हुए उसका तस्करा पढ़ेंगे आज की आयात में इंशाला तारुफ के बाद नाजिक राम तजिए की तरफ चलते एक एक आयत में क्या मौजूद जेर गुफ्तु आता है उस पर बात होगी तजिये के जेल में सूरत आयात तैतालीस ता पैंतालीस का तजिया सबसे पहले आयत नंबर तैतालीस नशे और नापाकी की हालत में नमाज की मुमानियत तयम का हुक्म ये सारी बातें एक आयत में है नशे और नापाकी की हालत में नमाज की मुमानियत भी और तयम का हुक्म इसी आयत में समझेंगे आयत नंबर तैतालीस फोर्टी थ्री में इसके बाद आयत नंबर चवालीस यहूद के मकर अजाइम का बयान आहले ईमान को भी गुमराह करना चाहते हैं इसका तस्करा आएगा और आखिरी आयत आज हम समझेंगे आयत नंबर पैंतालीस सूरत ने साकी अल्लाह ताला की शान और कुदरत का बयान िस में समझेंगे आयत भी तवील है तर्जुमे में भी वक्त लगेगा और तशरी में भी निकात ज्यादा बयान किए जाएंगे इनशा इर्शादीन की जानव से सूरत आयत नंबर तैतालीस में यादी आबात तुम सु حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِدًا سَبِيلًا حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا 43 है आइए करते हैं इसका तर्जुमा हुआ ए ईमान वालो नमाज के करीब न जाओ जब तुम नशे की हालत में हो यहां तक के समझने लगो कि तुम कह क्या रहे हो और नहीं नमाज के करीब जाना जबकि तुम नापाकी की हालत में हो सिवाय इसके कि तुम मुसाफिर हो यहां तक के तुम गुसल कर लो और अगर तुम हो बीमार या हो सफर पर या तुम में से कोई कदाए हाजत से आए या तुमने अपनी औरतों से मुखारबत की हो फिर ना पाओ तुम पानी तो तयम कर लिया करो पाक मिट्टी से पस मसाह कर लिया करो अपने चेहरों और हाथों का बेशक अल्लाह माफ फरमाने वाला बड़ा बख्शने वाला है नाजिक राम ये तर्जुमा शुरू आयत नंबर तैतालीस का बहुत सारी बातें हैं जो इस आयत की तशरी में हम समझेंगे दर्जा बदर्जा आपकी तवज्जो दरकार मजीद होगी इन सबसे पहली बात तशरी में नमाज की जिनमें जिन नमाज से मना कर दिया गया नंबर एक नशे की हालत में और नंबर दो नापाकी की हालत में तफसी की जाएगी इनशाला अब अगली बात नशे के जमीन में शराब की हरमत के हवाले से है और यही वो मकाम है नाजिक राम नोट कीजिएगा उन मकाम में से कि अगर तफसीर सामने ना हो तशरी सामने ना हो और असलाफ ने और उम्मत के उलमा ने किस तौर पर कुरान को समझ कर हमारे सामने रखा वो सब कुछ सामने ना हो और सिर्फ तर्जुमा पढ़ के कोई समझे कि मैं आलिम फाजिल बन चुका हूं और तर्जुमा पढ़ के समझे कि बस मुझे कुरान समझ में आ जाएगा तो यहीं पे इंसान ठोकर खाता है अल्लाह ताला हमें गुमराही से महफूज रखे तर्जुम कुरान पहला कदम है फहमी कुरान की तरफ पहला कदम है काफी नहीं फिर तफसीर फिर तशरी जो ने मुफसरीन ने असलाफ ने कुरान और सुन्नत से बातें समझ कर बयान फरमाई उन सबको भी देखना होता है अल्लाह ताला हमें हर किस्म की गुमराही से महफूज रखे अब तो अगर तशरी सामने ना हो तो लोग परेशान हो जाते हैं ये क्या बात ईमान वालों से खिताब हो रहा है और नशे का बयान भी आ गया ईमान वाले और नशा तो ये समझाया जा रहा है कि कुरानी हकीम को समझने के लिए असलाफ यानी हमारे इल्म जो चौदह सदियों पर मुहित उनको भी देखना होगा को भी देखना होगा उम्मत ने नयात को किस तरह समझा उसको भी देखना होगा अगर ये ना देखा जाए तो फिर होता है इंसान अल्लाह में महफूज रखे आइए अब पहली बात नशे की हालत में नमाज मना है तो नशे के हवाले से शराब के में जो अहकाम आए हैं उनको थोड़ा सा समझने के आयत दो पढ़ चुके हम लोग अकबर शराब और जुए में गुना का पहलू ज्यादा है और नफे का पहलू कम है सुरतुल्बकर आयत नंबर दो सौ उन्नीस यह पहला हुक्म था लिखा है, नफा कम और नुकसान ज्यादा चौकन्ने हो जाओ। ये छोड़ने की तरफ इशारा शुरू हो गया मगर ये पहला हुकुम था की के से और जुए का बयान भी के से वहाँ पर आया है दूसरा हुक्म जो इस वक्त जेर मुताला आयत इस वक्त हम सूरत आयत नंबर तैतालीस पढ़ रहे हैं यह दूसरा हुक्म था दूसरा हुक्म जेर मुताल आयत नशे की हालत में नमाज अदा न करो ये इतनी गंदी और बुरी शय है ये तो तुम्हें अल्लाह से दूर कर देगी तो नशे की हालत में नमाज अदा ना करो और इसके गंदे होने को खराब होने को बुरे होने को नापसंदीदा होने को उजागर किया जा रहा है वादे किया जा रहा है अल्लाह सुबहान तला की तरफ से यह हुआ दूसरा हुक्म जो अभी हम समझ रहे हैं तीसरा हुक्म सूरतुलमादा आयत नबे और इक्नवे तीसरा हुक्म सूरतुलमादा आयत नब्बे और इक्नवे हतमी और कतई मुमानियत नोट कीजिएगा हतमी और कतई मुमानियत फाइनल निगेशन या फाइनल जो ऑर्डर अल्लाह की तरफ से आया वो सूरत आय नबे और इक्नवे में तफसी तो वहां पढ़ेंगे आखिरी अल्फाज फलत बस तुम बाज आते हो गए नहीं ये अंदाज है सूरत आयतम नबे और इक्नवे में वो है हतमी और आखिरी हुक्म शराब की ममानियात का भी और जुए के हवाले से भी वहां पर बात आई है दरीजन शराब की उर्मत के अहकाम सामने आए अब अगर ये तीसरा हुक् सामने ना हो और ये आए कोई पढ़ रहा हो तो परेशानी हो सकती है ना नाज़िक राम इसी की तरफ इशारा किया था कि तफासिर का मताल से सीखना उम्मत के असलाफ की तफासिर पर निगाह रखना जरूरी है वरना अपनी अकल से कोई महज तर्जुमा पढ़ के कुरान के फहम की कोशिश करेगा तो कुछ मकामा कुरानी हकीम के ऐसे जो समझ आ ही नहीं सकते बात वाजी हो रही आखिरी हुक्म कहा आखिरी माएदा, माएदा नबे और इक्यानवे में कतई मुमानियत वहां पर आई ये तदरीजन दूसरा हुक्म था जो आज के मुताले में बात हमारे सामने आ रही है कि ईमान वालो नमाज के करीब ना जाओ जब तुम नशे की हालत में हो बात वाजी हो गई अच्छा एक अहम बात और आई थी यहां तक कि तुम जान लो कि तुम कह क्या रहे हो इस पर तवज्जो दिलाई गई इससे एक अदब भी समझ आता है वो अदब क्या है? आगे पर लिखा है नमाज में खुशू और खुजू लाजिम होना, होना, हो, 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 है ना नमाज में तो नशे की हालत तो में सवाल ही पैदा नहीं होता वो तो बिल्कुल ही अलग बात है लेकिन इसके अलावा जो हम आम तौर पर नमाज अदा कर रहे हैं वहां भी मतलब क्या है नमाज में खुशू और खुजू लाजिम है पूरे होशो हवास और फहम के साथ अदा करनी चाहिए तो आदमी पूरे अहतमाम के साथ वजू का अहतमाम करे तैयारी करे और तवज्जो के साथ नमाज में अल्लाह की तरफ रुख करे और हाँ समझ कर भी अदा करे। नाजिक राम नमाज में जो तिलावत हम कर रहे हैं अल्फातहा कुछ कुरान का हिस्सा तस्बीहात इनका मफहूमी जहन में होगा तो नमाज में तवज्जो बढ़ती जाएगी इन शे एक समझने की बात थी कि पूरे होश हवास और फहम के साथ अदा करनी चाहिए यानी नमाज अगली बात नापाकी की हालत में भी नमाज बना ठीक है आपके इल्म में है कि नमाज के लिए आम तो पर वजू करना होता है और कभी कभी गुस्ल भी फर्ज हो जाता है तफसील मिलेगी तफासिर में या फिकही मसाइल की किताबों में तो वो नापाकी है ना चाहे वो वजू की नापाकी है चाहे वो गुस्ल की नापाकी है नापाकी की हालत में नमाज अदा करना मना है ना जिक्राम दो हालतों का जिक्र आया नशे की हालत में नमाज़ करने की और नापाकी की हालत में ताहम बाकी जो आपके सामने रखेंगे आप हमारे साथ ही रहेंगे असल वरम्हि वाजिक प्रोग्राम बसीरतर में खुश आमदीद वक्फे से पहले हम सूरत आयत नंबर तैतालीस का मताल कर रहे थे शराब की हवाले से जो तदरीजन अहकाम आए उनका बयान हो चुका और ये जिक्र भी आ गया कि दो हालतों में इस मकाम पर नमाज की ममानियत का जिक्र है नंबर एक नशे की हालत में और नंबर दो नापाकी की हालत में इस पर हम बात कर रहे थे कि वकफा हाइल हो गया था अब वफे के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं ये बात मैं आज कर रहा था पहले कि हमें एक आम मसला तो मालूम है कि वजू ना हो तो नमाज अदा नहीं कर सकते इसी तरह अगर किसी पर गसल लाजिम हो जाए तो भी नमाज अदा नहीं कर सकते जू गुस्ल कब लाजिम हो जाता है इसकी तफसीत तफासीर में पढ़ सकते हैं और मसाइल की किताबों में देख सकते हैं लेकिन एक अहम बात नाजिक्राम नोट कीजिएगा यहां आया जुनूबन जुनूबन यानी कि अगर तुम नापाक हो तो तुम नमाज अदा नहीं कर सकते अब ये जुनूबन कुरान नहीं वजाहत फरमाता कि इससे मुराद कौन सी नापाकी क्या कुछ छीटे लग गए गटर के पानी के तो जुनूबन हो गया हमें तो नहीं पता नाजिक्राम नोट कीजिए जुनूबन का लफ्ज आया कुरान कह रहा है मगर कुरान इसकी वजाहत नहीं फरमाता कुरान के इस लफ्ज की वजाहत फरमी नबी अकरम वसल्लम <laughs> ने जनाबत का लफ्ज आपने सुना होगा ना हालत जनाबत उसमें गुस्ल फर्द हो जाता है ये जुनूबन उसी से है मालूम हुआ कुरान की तशरी की जरूरत है और वो तशरी सबसे अव्वल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आता फरमाई है इसी से सुनत की हजियत सुन्नत की अहमियत वाज होती है कि कुरान के अल्फाज की वजाहत भी फरमाई है रसूल अक्रम वसल्लम सल ने कई एतबार से बात वाज हो गई तो जुनूबन वो नापाकी है कि जिसमें गसल फर्द हो जाता है इसीलिए आगे आएगा हप्ता तसीलू कि यहां तक कि तुम पर गसल तुम गसल कर लो तो गसल कब करना पड़ेगा जुनूब की कैफियत में जुनुब कब हो जाता है कुरान नहीं बताता ये नापाकी की तफसील रसूल पाक वसल्लम ने बयान फरमाई बाकी मसाइल कहाँ पढ़ेंगे तफासिर में मसाइल की किताबों में ना सिराम बात को आगे बढ़ाते अब तशरी देखिए स्क्रीन पर लिखा है गसल लाजिम हो जाए तो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते सिवाय इसके कि रास्ता उबूर करना हो यह एक जरा थोड़ी सी तफसील तलब बात है गसल फर्द हो गया नमाज अदा नहीं कर सकते गसल करना लाजिम है फर्द हो गया तो मस्जिद में भी नहीं जा सकते सही है गसल फर्द हो गया तो मस्जिद में भी दाखिल नहीं हो सकते अच्छा हकीम में आया था सिवाय कि तो मुसाफिर हो ठीक है और एक तर्जुमानी है कि अगर तुम्हें रास्ते से गुजरना हो इसका पसमंजर क्या है पसमंजर ये कि बाहब कराम के हुजरे कुछ इस तरह थे कि ला लामला लाजमन मस्जिद से गुजर कर जाना पड़ता था अगर कभी कहीं ऐसी सूरत हाल आ गई कि गुजरना पड़े तो उसकी तो गुंजाइश है अदरवाइज गुसल लाजिम हो जाए तो मस्जिद में दाखिल भी नहीं हो सकते दोबारा गुसल लाजिम हो जाए नमाज अदा नहीं कर सकते गुसल लाजिम हो जाए तो मस्जिद में भी दाखिल नहीं हो सकते सिवाय इसके कि रास्ता उबूर करना हो अगर ऐसी कोई सूरत है कि वहां से गुजरे बगैर चारे कार नहीं तो गुजरा जा सकता है रुका नहीं जा सकता मस्जिद में किस हालत में जब गसल फर्ज हो जाए इस मसले को भी तफसी से अगर समझना होगा तो हम कहां रुझू करेंगे तफास की तरफ उलमा की तरफ या मसाइल की किताबों की तरफ नाजिक ना बात को आगे बढ़ाते हैं और अहम निकात हैं तफसी तरफ बातें बहरहाल हैं अगला नुकता लिखा है खमर शराब के बजाय सकर, नशा आवर शय का लफ्ज इस्तेमाल किया गया सकर का लफ्ज किससे बना सुकारा सकर का बना मना सुकारा तो में शराब के लिए खमर का सूरत लिखवाई थी नोट ना। कीजिएगा की लेकिन यहां खमर का लफ्ज नहीं आया बल्कि नशे का सकर का लफ्ज आया वान तुम ये नशे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ यह भी बहुत कीमती है चुनाच ये कहा गया नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाना इससे बहुत कुछ अख़द होता है आगे देखिए लिखा है फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नशा आवर शह हराम है सिर्फ शराब ही से नशा नहीं आता और भी कुछ चीजों से आता है तो जिस जिस से नशा आ जाता हो वो क्या है हरा वो हराम है, है। ये जाम तिरमिशी की रिवायत अलैहि वसल्लम हर नशा आवर शह हराम है हां इस हदीस की तशरी और तफसीलात कहां पड़ेंगे तफासिर में या फिर मसाइल की किताबों में यामा से रुजू करेंगे ज़ारी बात है मसाइल का बयान इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है ना वक्त इतना हमारे पास होता है तो मसाइल के लिए तफासिर की तरफ रुजू किया जाए से मालूम किया जाए या फी मसाइल की किताबों की तरफ भी रजू करना चाहिए इसके बाद तयम का बयान आया था इसी आयत में तयम को थोड़ा समझ लेते हैं तयम का बयान मुराद कस्त और इरादा है तयम के मानी क्या है कस्त और इरादा किस बात का पाकिजगी का इरादा इस जुमले की वदात आगे आएगी इंशाला तशरी में ठीक है तयम का बयान मुराद कस्त और इरादा नीयत करना इरादा करना मुराद किस चीज की नीयत और इरादा पाक होने का इरादा करना आगे देखिए तशरी में लिखा है पानी की आदम दस्तियाबी की सूरत में वजू गसल के लिए पाक मट्टी से तयम करने की सहूलत दी गई नाजिक राम तयमु का बयान सुना तो हमने होगा यकीन मोटी मोटी बात यहां पर आ रही है कि अगर पानी दस्तियाब ना हो और मजीद तफसी कहाँ पड़ेंगे तफासिर में फी मसाइल की किताबों में पानी की आदम दस्तियाबी की सूरत में वजू गसुल के लिए यानी वजू या गसल के लिए पाक मट्टी से तयम करने की सहूलत दी गई और कुरान ने बताया चेहरों पर और हाथों पर फेर लो ठीक है मिट्टी हो या मट्टी के जिन्स से कोई शे पत्थर वगैरह दीवार वगैरह और उस पर हाथ फेरते

फास में इन शिकी मसाइल की किताबों में अगली बातिकता हूँ सामने लिखा है जो इसी से समझा वो वजूहत जिनके पैदा होने पर तयम करने से पाकी हासिल की जा सकती है कौन कौन से पहलू बयान किए गए वो वजूहत जिनके पैदा होने पर तयम करने से पाकि हासिल की जा सकती है चंद बातें आगे लिखी हैं इस आयत के जेल में नंबर एक बीमार जिसे पानी के इस्तेमाल से बीमारी में इजाफे का अंदेशा हो पानी तो मगर इजाफा हो जाएगा बीमारी में तो क्या कर सकता है तयम नंबर दो दौरान सफर हालत सफर में है पानी दस्याब नहीं है तो फिर तयम किया जा सकता है मगर इसमें मसाइल बहुत हैं मसाइल पढ़ेंगे तफासिर में फी मसाइल की किताबों में नंबर तीन कदाए हाजत के बाद बंदा कदाए हाजत के बाद उसको वजू करना है लेकिन पानी अगर दस्तियाब नहीं और मसाइल हैं तो फिर क्या है तयम किया जा सकता है नंबर चार ताल्लुक जोजैन के बाद जोजैन के ताल्लुक कायम होने के नतीजे में तो गसल फर्द पानी नहीं है तो क्या किया जाएगा किया जाएगा ये चार बातें तो इस आयत से हमने समझी मगर नाजिक राम पांचवी मरत अर्ज कर रहा हूं बहुत सारे और मसाइल हैं जिनके लिए मैं तफास और फिकही मसाइल की किताबों की तरफ देख लेना चाहिए या साहिब इल्म साथियों से पूछ लेना चाहिए आगे लिखा है एक और बयान तयम के हवाले से लिखा है तयम का एक अहम मकसद पाकिजगी के तस्वूर को कायम रखना है पानी तो है नहीं मगर ये तयम के माने इरादे के ना तो पाकिजा तो रहना ही है मुझे ये तसवर भी कायम रखना ये तयम की रूह है मट्टी इसकी और हमतें लेकिन तयम का एक अहम मकसद क्या है पाकिजगी के तस्वर को कायम रखना और ये सहूलत किसने दी है अल्लाह ने दीन बड़ा प्यारा हमारा और अल्लाह तमारे बहुत प्यारे अलहमद लाला अल्लाह तला ने बहुत दी आखिरी बात क्या है कोताही को माफ करने वाला है अल्लाह है ना अब जो कमी कोताही रह भी जाएगी बंदा है अल्लाह उसकी कमी कोता को नाजी कराम काफी निकात थे इस आयत की तशरी में जो आपके सामने रखे गए सूर्य आयत नंबर तैतालीस ताहम मसाइल के लिए से तफासिर की तरफ और मसाइल की किताबों की तरफ रुजू करना चाहिए अगली दो आयात

नाजिक्राम यू हुआ तर्जुमानवालीस का आईएस की तशी की तरफ चलते हैं पहली बात तशरी के हवाले से पर आप देख रहे हैं साजिशें कर, कर रहे हैं तो उनकी साजिशों के हवाले से चौकंदा रहने की हिदायत आहले ईमान को एक अहम बात अल्फाज आए थे नसीब मिनल किताब क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जिनको किताब का एक हिस्सा दिया गया नसीब एक हिस्सा इसकी क्या मानी है आइए समझते हैं नसीबन हिस्सा के दो मानी हो सकते हैं नंबर एक आखि किताब तौरात के अल्फाज तो अदा करते थे लेकिन ना दिल से उसके अहकाम को तस्लीम करते और ना उन पर अमल करते तो अल्फाज तो तिलावत करते ये तो हिस्सा ले लिया लेकिन ना मानना है दिल से ना अहकाम पर अमल करना ये हिस्सा छोड़ दिया तो एक माने एक हिस्से के ये हुए दूसरे माने क्या बयान हुए तोरात के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी पूरी किताब में तहरीफ के मरतकब हुए तहरीफ तब्दील कर देना मर्तकब इतक करना कमिट करना तोरात के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी पूरी किताब तहरीफ के मुरतकब हुए ये दो मानी लिए गए नसीब के पहले मानी तिलावत करते अमल नहीं करते दूसरे मानी कुछ हिस्सा छोड़कर सारे का सारा बदल डाला तो कागे जिन्हें एक हिस्सा किताब का आता किया गया ये जरा एक इलमी सा नुकता हमारे सामने आया आखिरी बात इस शायद की तशीमें लिखी है अहल किताब खुद तो राह हक से दूर हो गए आहले ईमान को भी सिरात मुस्किन पर गामजन देखना नहीं चाहते और बहुत तस्वीर से तस्तुल्बकर में मबाहिस आए थे हसत का शिकार हुए तो चाह के ईमान वालों से भी हिदायत छिन जाए ये दुश्मनी पर अड़े हुए और इनकी इस दुश्मनी से चौकन्ना रहने की हिदायत की गई अहले ईमान को नाजिक राम आखिरी आयत आज के मतल के आयत नंबर पैंतालीस का मतला करते हैं रबीन की तरफ से सुरत नंबर पैंतालीस आइए करते इसका तर्जुमा इशाद हुआ और अल्लाह खूब वाकिफ है तुम्हारे दुश्मनों से और अल्लाह काफी है हिमायती और अल्लाह काफी है मददगार पैंतालीस आइए इसके करते तशरी दो निकात मुख्तसरन है पहला नुकता तशरी में लिखा है आहले ईमान के लिए तसली का बयान पिछली आयत में उनसे चौकन्ना रहने को कहा गया आहल किताब से अब अल्लाह तसली अता फरमाए किसको आहले ईमान को कि आहले ईमान की पुष्पनाई पर कौन होगा अल्लाह कि ईमान पर होने का सबूत पेश करें नुक्ता इस की में लिखा है और अल्लाह की रात पर मुकम्मल भरोसा करें आहले किताब अगर ईमान के तगादों पर डटे रहे और अल्लाह ही पर तवक्ल रखें और भरोसा रखें तो फिर आहले किताब ईमान वालों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे नाजिक राम अलहमद आज की आया सूरत आयात तैतालीस पैतालीस का मतला मुकम्मल हुआ अब वक्त हमारे नौजवान साथियों के सवाल का आयुन से पूछते हैं कि हमसे क्या पूछना चाहते हैं पहला सवाल ना भी आया अहल किताब गुमराह है यानी और मुसलमानों को भी जो है ना वो उस गुमराह की तरफ घसीटना चाहते हैं उसके है? लिए साजिशें करते हैं तो आज दौरे जदीद में जो है उनकी साजिशें किस रंग में है और उसके बचने के लिए हम शरी कोशिश किस अंदाज में कर सकते हैं माशाल्लाह बड़ा अहम सवाल है कि अहले किताब की साजिशें माजी में तो रही क्या आज भी हैं या हो सकती हैं और हम बचने के लिए क्या करें जाहिर बात है कुरानी हम आज भी उसका मुताला कर रहे हैं और कर्न हकीम रहनुमाई हमारे लिए भी है और खतरात अगर चौदह सौ बरस पहले ईमान वालों को थे तो खतरात आज भी होंगे हसद अगर उस दौर के यहूद में था खास तौर पर तो हसद आज के दौर के यहूद में भी होगा तो चौकन्ना तो रहना चाहिए तभी तो हम मुताल कर रहे हैं इन का। करें क्या आखिरी बात जो है उसी ईमान के वरना क्या है कभी माल का लालच कर, कभी दौलत का लालच देकर कभी कुर्सी अतदार का लालच देकर कभी दुनिया के कुछ फवाद का लालच देकर वो हमें हमारी किताब से दूर करने की कोशिशें करेंगे तो हमें ईमान पर डटे रहना है नंबर दो तवक्ल किस पे करें अल्लाह पर काफिरों की गैरों की साजिशें बहुत होंगी मगर ये सब के सब अल्लाह की मखलूक है अल्लाह के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते तो पर और यकीन और भरोसा ये बहुत जरूरी है ये होगा तो इनकी साजिशों को हम तोड़ भी कर सकेंगे और महफूज भी रह सके रह सकेंगे अल्लाह के फदर से इनशाला ठीक है जी अहमद आपका सवाल सर so, एक बहुत मशहूर बात है कि अक्सर अफरा जो है नशावर चीजें इस्तेमाल करते हैं शराब वगैरह और फिर कहते हैं ठीक है जब नशा होगा तब की बात है तब देखा जाएगा उससे उसके बारे में नाजिक राम ये जाहिर बात है कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारे साथी पढ़ते रहे हैं तो इनको अंदाजा है कि किस किस तरह के लेम एक्सक्यूज मुसलमानों में से कुछ लोग पेश करते हैं अब ये बड़ी मशहूर बात है जिन्होंने रखी और वेस्ट में भी इस तरह की बातें कभी सुनने को हमें मिलती होंगी बल्कि ज्यादा सुनने को मिलती होंगी कि ठीक है नशे से मना किया गया है मगर कब वो कहते जब नशा चढ़ने लगता है

ज्यादा मकदार नशा पैदा कर सकती है उसकी थोड़ी सी मकदार भी हराम है खत्म बात वाजी हो गई नाजिक राम नोट कीजिए लोग कह रहे हैं ना कि जब नशा चढ़ने लगे तब हराम होगी। नहीं भाई अस्तफर अल्लाह के हबीब वसल्लम फरमाया जिस शेय की ज्यादा मकदार नशा पैदा करे उसकी थोड़ी सी मकदार भी हराम है हराम है हराम है Allah के रसूल आल सलाम के कौल के मुताबिक और ये रिवायत में ठीक है, का सवाल क्या है? सर, मेरा सवाल ये है नपाकी की हालत के बयान के साथ रास्ते को नाजिक राम ये एक अहम सवाल है इसीलिए मैंने इशारा किया था कि थोड़ा सा इसमें वक्त दरकार होगा समझने के लिए रास्ते को अबूर करना असल में कुरानी हकीम के अल्फाज ऐसे होते हैं अल्लाह का कलाम है जो बहुत जामे होते हैं और एक से जायद बल्कि कई मानी भी उनमें शामिल होते हैं जब ये कहा لا تقربوا तकरबुलसला नमाज के करीब ना जाओ तो तर्जुमा क्या होगा जब ये कहा गया ला तकरला नमाज के करीब ना जाओ तो मफहूम क्या बना हालत नापाकी अगर है जैसे ना हता तगत तसीलू नापाकी का बयान आया जब तक तुम गसल ना कर लो नमाज के करीब ना जाओ मुराद क्या है नापाकी कौन सी वाली जिसमें गसल फर्द हो जाए नमाज अदा नहीं की जा सकती ये बात तो वाजे हो गई नमाज का तर्जुमा किया गया लफ्ज सलाद से या यादीना आमन तकरबला नमाज के करीब ना जाना हालत नशा में और हालत हालत नापाकी में ठीक है एक और तर्जुमा भी किया गया सलाद का तर्जुमा किया गया सलाद की जगह सलाद का मकाम तो नमाज का मकाम उसे हम क्या कहते हैं मस्जिद तो मस्जिद ना जाओ नापाकी की हालत में ये भी मानी निकले नाजिक्राम थोड़ी वरना में कराम ने बयान तो सलात का मतलब नमाज भी तो हालत नापाकी में नमाज नहीं पढ़ सकते और सलात का मतलब नमाज का मकाम भी मुराद मस्जिद तो जब गसल फर्द हो जाए तो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते ये बात तो वाज हो गई अब रास्ता उबूर करना पड़े यह मैंने क्या अर्ज किया था कि बास साहब कराम के घर के हुजरे ऐसे थे रास्ते के अतबार से कि उनको गुजर के जाना पड़ता था मस्जिद से तो अगर वो गसल की हालत में हो तो मस्जिद से गुजर नहीं सकते तो घर भी नहीं जा सकते ऐसी मजबूरी में क्या इजाजत दी गई सिवाय इसके कि तुम्हें रास्ता उबूर करना हो तो अगर गुसल फर्द हो गया और सिर्फ रास्ता उबूर कर रहे तो इसकी गुंजाइश तो दी गई जब ऐसी मजबूरी पेश आए तो हां अदरवाइज नहीं अगर ऐसी मजबूरी पेश आए तो इस नापाकी की हालत में गुजरने की इजाजत है मस्जिद में रुकने की इजाजत नहीं है हो वाजोगे बेटे बात अलहमद लाजिक है जो थोड़ा तफी तलब है तफास का करेंगे तो बात वाजी होगी प्रोग्राम के आखिरी और उनके जवाब हो चुके आखिरी में मुख्तार बयान हो रहा है जो आइंदा मजीद तीन या चार रोज जारी रहेगा तवज्जो दरकार होगी सूरतों की तकसीम उनके कुछ नाम बयान हो रहे हैं आज पहली बार बयान हो रही है देखिएगा स्क्रीन पर तिवाल तिवाल फौ के नीचे जेर है तिवाल कुरान करीम की सात तवील सूरतों मसलन अल बकरा आल इमरान को कहा जाता है तो शुरू में के बाद शुरू में तवील तरीन सूरतें सात सूरतों को तिवाल कहते हैं क्या कहते हैं तिवाल और आगे बड़ी दिलचस्प किस्में हैं सूरतों की वो अगली निश्तों में बयान करेंगे तो तिवाल सात तवील तरीन सूरतों को कहा जाता है मसलन अल बकरा और आल इमरान नाजिक राम मालूमत के बाद हासिल मुताल सेगमेंट यानी जिन बातों को हमने समझा उनका मुख्तसर जायजा राउंड अप के तौर पर आखिर में सबसे पहली बात हासिल स्क्रीन पर लिखी है नशा और नापाकी की हालत में नमाज की ममानत दो हालतों में मना है ना नशे की हालत में और ना। नापाकी की हालत में बाकी शराब के तदरीजन अहकाम शराब के हवाले से पढ़ चुके और नापाकी की इकसाम का बयान भी आ चुका हमारे सामने दूसरी बात हासिल मुताल में लिखी है स्क्रीन पर पानी की आदम दस्तियाबी में तहारत के लिए तयम की सहूलत है तयम का बयान भी आ गया मसाइल कहां पढ़ेंगे तफास में फिकही मसाइल की किताबों में इनशाला आखिरी बात हासिल मुताला के तौर पर आहले ईमान को आहले किताब के मकर आजाइम से होशियार रहने की तलकीन तफसील सवाल के जवाब में भी आ गई थी हासिल मुताला के बाद नाजिक राम जायजे के सेगमेंट में तीन सवाल का जायजा लेंगे अपने अंदर झांक का कुछ तलाश करेंगे पहला सवाल क्या हम अल्लाह ताला की हराम करदा अशिया से इजतनाब करते हैं आज तो शराब का बयान आया उस पर भी लोगों ने हीले बहाने निकाल लिए इसके अलावा सूदखोरी बेहयाई और गुनाह के काम क्या हम बचते हैं या नहीं ठीक है कहीं बिजली के वो खंभे लगे होते हैं और बोर्ड लगा होता है 440 वोल्ट का खतरा लिखा होता है ना आप करीब जाएंगे तो करने लग जाएगा ये भी खतरे हराम में मुलवस होंगे तो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे अल्लाह ताला महफूज रखे दूसरा सवाल जायजे के तौर पर क्या हम तहारत के बुनियादी मसाइल को जानते हैं वजू का तरीका गुस्ल का तरीका तयम का तरीका हमें आता है अपने अंदर झांकी और जवाब तलाश कीजिए तीसरा सवाल जायजे के तौर पर क्या हम कुरान करीम की तिलावत के साथ उसके अहकाम पर अमल भी करते हैं उन्होंने तो छोड़ दिया था ना यहूद ने आज आखिरी कलाम कुरान है अल्लाह ने तिलावत की समझने की और इसके अहकाम पर अमल की तोफीक अता फरमाएर सीना कुशादा फरमा दे और मेरे काम में मेरे लिए आसानी फरमा दे ये बात किस आयत में बयान की गई है सूर तोह का हवाला दिया गया था हिंड के तौर पर सूर्य तोह आयत नंबर पच्चीस और छब्बीस हर प्रोग्राम के शुरू में इतना होती है आयत यह पढ़ी जाती है रबिश रही सदरी अमरी मूसा सलाम की दुआ ऐ मेरे 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 रब मेरा सीना को और मेरे काम में मेरे लिए आसानी जिएगा आज का सवाल नोट कीजिएगा लिमात वो भी है आज का सवाल ऐ मेरे रब मुझे सच्चाई के साथ दाखिल फरमा यह बात किस आयत में बयान की गई है ऐ मेरे रब मुझे सच्चाई के साथ दाखिल फरमा यह बात किस आयत में बयान की गई है हिंट के लिए सूर्य बनी इसराइल देखिएगा चलिए पंद्रहवा पारा वो भी बताए देते हैं सूर्य बनी इसराइल में इसका जवाब मिलेगा आपको और अगले प्रोग्राम में उसका जवाब पेश करेंगे नाजिक राम इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल होता है आप तमाम साथियों को अल्लाह अल्लाहर अता फरमाए अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में मजीद फरमाए नाज कराम हम सबको कारी साहब को हमारी पूरी टीम को और स्क्रीन के पीछे जितने साथी और की टी वी की मैनेजमेंट को अपनी दुआ में याद रखिएगा इसी के साथ इजाजत व आखर रब्बिल आलमीन